पर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। फाइंड द एरर का क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से वाले पार्ट में है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है या डी पार्ट में है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमको दो वर्ड सीखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वर्ड तो होता है हार्ड और एक वर्ड होता है हार्डली। इन दोनों वर्ड्स के अंदर हमको नॉर्मली कन्फ्यूजन रहता है कि हार्ड और हार्डली के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूँ ही वर्क्स हार्ड, तो इसका मतलब है कि वो कड़ी मेहनत करता है। लेकिन अगर मैं हार्ड की जगह हार्डली का प्रयोग करता हूँ, तो इसका मतलब वो मुश्किल से ही मेहनत करता है, यानी कि वो मेहनत नहीं करता। अगर मैं किसी को कहूँ कि वो क्या वो कॉलेज जाता है, मैं कहता हूँ मुश्किल से ही कॉलेज जाता है, तो मुश्किल से ही जाता है का ये मतलब नहीं है कि बड़ी मुश्किलों के बाद वो कॉलेज पहुँचता है। इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज नहीं जाता, मुश्किल से ही जाता है, कभी कभार जाता है। तो हार्डली का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है, न के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है ये वाला वर्ड। और अगर मैं कहता हूँ हार्ड, तो इसका मतलब बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही हार्ड वर्क से। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर दिन रात का फर्क है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हार्डली में क्या क्या बोला मैंने, न के बराबर। अगर मैं कहता हूँ वो हार्डली स्कूल जाता है, तो इसका मतलब क्या, वो स्कूल नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? तो हार्डली जो वर्ड होता है वो कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। इसके अंदर न, ना या नोट पहले से ही होता है। अगर इसके अंदर नोट पहले से होता है, तो क्या इसके साथ में नोट लगाने की जरूरत है, नहीं। तो यही बात यहाँ पे है। देखो यहाँ पे हैड नोट लिख दिया इन्होंने, हैडेंट, यानी कि ये देखो आपको पता होगा, जैसे वाज नोट को अगर हमको इकट्ठा लिखना हो तो हम वाजंट लिख देते हैं, ऐसे ही हैड नोट को यहाँ पे इकट्ठा लिख रखा है, हैडेंट लिख रखा है। और मैंने क्या बताया कि ये जो हार्डली वर्ड है, हार्डली, इसके साथ तो नोट आता ही नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे नोट लगा के दे दिया। तो इसका मतलब बी पार्ट के अंदर गलती है, बी पार्ट के अंदर हैड हार्डली आएगा, ना कि हैड नोट हार्डली आएगा। तो ये जो नो लगा रखा है ना यहाँ पे, ये नहीं आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस भी पता लग गया होगा। कई बार सेंटेंस होता है वहाँ पे दे देते हैं ऑप्शन में हैड भी, हार्ड भी दे देंगे और हार्डली भी दे देंगे, तो वहाँ पे हमको पहचानना होता है कि कौन से वाला वर्ड करेक्ट होगा। वो जब ही पहचान पाएंगे ना हमको, जब पता होगा कि डिफरेंस क्या है हार्ड और हार्डली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आपके सामने। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, कि 1980 से लेके 1990 का जो पीरियड था वो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखो बात ऐसे है, प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि बिटवीन के साथ तो किसका प्रयोग होता है, एंड का प्रयोग होता है, और फ्रॉम के साथ किसका प्रयोग होता है, भाई टू का प्रयोग होता है। ये आपको याद करना है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। बाकी सभी का भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उस क्लास को लेके। तो मैंने क्या बोला कि बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग होता है, और फ्रॉम के साथ में किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो बिटवीन दे रखा था, तो बिटवीन 1980 एंड 1990 आना चाहिए था, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, भाई एंड का प्रयोग होगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये हमने ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ में हमेशा एंड का प्रयोग होता है, और फ्रॉम के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। अब कोई कह देता सर मैं टू नहीं हटा रहा, मैं टू को रखूंगा, टू नहीं हटा रहे तो बिटवीन की जगह फ्रॉम कर दो, जब भी ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है, और बिटवीन के साथ एंड आता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, फ्रॉम 1980 से 1990, यानी कि टू 1990। तो इस तरीके से भी आप चीजों को लिख सकते हैं, या तो फ्रॉम और टू का पेयर बनाओ, या फिर बिटवीन और एंड का पेयर बनाओ, दोनों के दोनों ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप फ्रॉम के साथ एंड लगा दो और बिटवीन के साथ टू लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। देख लो ये गलत हो गया, ऐसे ऐसे ये गलत हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, और फ्रॉम के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, भाई टू का प्रयोग होता है। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एग्जाम्पल अब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई, बहुत ही चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको घर पे रहना है, बाहर नहीं निकलना है। आपको पता है जो केस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के अंदर भी। तो जितना हो सके आप घर पे रहिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, कॉमेडी वीडियो देखने की बजाय आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम तो होने हैं और एग्जाम हमको देने हैं। तो इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नो सूनर हैड दी हॉकी मैच स्टार्टेड वैन इट बिगन टू रेन। अब देखो ये भी हमने कल डिस्कस किया है कि नो सूनर जो वर्ड होता है ना, नो सूनर, नो सूनर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। कौन से वाले का, THAN वाले का, हार्डली आ जाए या फिर स्कार्सली आ जाए, हार्डली वर्ड आ जाए या फिर स्कार्सली वर्ड आ जाए, इन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वैन का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, नॉट ओनली के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, नॉट ओनली अगर आ जाता है तो नॉट ओनली के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अभी अभी हमने देखा कि बिटवीन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको याद है तो आपने यहाँ पे देखा कि नो सूनर लिखा हुआ है, आपको सेंटेंस से समझ में आए चाहे ना आए, आपने देखा नो सूनर है, नो सूनर के साथ इन्होंने वैन लगा के दे रखा है, और नो सूनर के साथ तो देन आता है, तो यहाँ पे देन आएगा, तो इसीलिए बी पार्ट में एरर हो गया। और यहाँ पे वैन का नहीं बल्कि किसका प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा। और कौन से वाले देन का, इंपॉर्टेंट ये है कि टी एच ए एन वाले देन का प्रयोग होता है, कई बार वो टी एच ई एन वाला भी लगा के दे देते हैं, जो कि क्या होता है भाई, गलत होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से, सी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कॉमन सेंस लगेगी, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आप खुद बताओ, मैं हिंदी में ही कहता हूं कि वो बहुत खूबसूरत है परंतु इंटेलिजेंट है, तो परंतु लगाने की क्या जरूरत है? इसमें हम कह रहे हैं कि वो खूबसूरत है और वो इंटेलिजेंट है, और लगाएंगे परंतु, यानी कि बट तो जब लगेगा, जब कॉन्ट्राडिक्शन हो, जब विरोधाभास हो। विरोधाभास की स्थिति में लगता है ये, तो जब भी कोई चीज विरोधाभास होता है, विरोधाभास की स्थिति होती है जब हम उसका बट का प्रयोग करते हैं कि भाई वो पतला सा है लेकिन फिर बिना वो कई पहलवानों को हरा देता है, परंतु वो मतलब किसी तरीके से जब विरोधाभास होता है, ठीक है, वो गरीब है परंतु दिल का बहुत बड़ा है, तो जब विरोधाभास आएगा, जब हम बट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कोई विरोधाभास थोड़ी है भाई, वो खूबसूरत है तो, और वो इंटेलिजेंट भी है, तो एंड लगाएंगे, यहाँ पे बट का नहीं बल्कि किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा, क्योंकि एंड जब आता है, जब दो सेंटेंस है जिनमें कोई विरोधाभास नहीं है, नॉर्मली हमको जोड़ना है, राम गा रहा है, श्याम सो रहा है, बस, तो इसमें एंड लगाएंगे बीच में। तो इस तरीके से चीजों का हमको ध्यान रखना है, और यहाँ पे यही गलती थी, सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। क्या है कि योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट हाउ यू हैव रिटन देम। कहने का मतलब है कि अगर आप आईएएस एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन से पेपर सेलेक्ट कर रखे हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं आईएएस एग्जाम के लिए, कि भाई आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं, आप साइकोलॉजी से करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किस चीज़ से करना चाहते हैं, तो उस चीज़ पर इतना डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है कि आप लिखते कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली आ गया, हमको अभी अभी याद है कि नॉट ओनली के साथ तो बट आल्सो का प्रयोग होता है, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बट लिख के दे रखा है, बट के साथ में आल्सो तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे बट आल्सो आना चाहिए, बस यही गलती है यहाँ पे, और सी पार्ट में एरर हो गया। तो ये बात इस तरीके से हमको ध्यान रखनी है भाई, आपको भी अच्छे से ध्यान रखनी है कि नॉट ओनली के साथ में किसका प्रयोग होता है, बट आल्सो का प्रयोग होता है, सी पार्ट में सिर्फ बट लगा के दिया है, आल्सो नहीं दे रखा, तो यहाँ पे गलती होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी अभी हमने देखा कि नो सूनर के साथ तो देन का प्रयोग होता है, और इन्होंने नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करके दे रखा है, तो फिर गलती कहाँ पे रही भाई? गलती यहीं पे है, देन कौन से वाले का होता है, टी एच ए एन वाले देन का प्रयोग होता है, टी एच ई एन वाले का नहीं होता है, और इन्होंने क्या कर रखा है, टी एच ई एन वाला लगा के दे रखा है, तो भाई इसमें गलती है, बी पार्ट में गलती होगी, ई एन वाले का नहीं बल्कि ए एन वाले का प्रयोग होगा। तो नो सुनर के साथ कौन से वाले देन का प्रयोग होता है, टी एच ए एन वाले देन का प्रयोग होता है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कार्सिली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कार्सिली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। देखो अभी अभी हमने बात की कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, हार्डली और स्कार्सिली के साथ किसका प्रयोग होता है, वेन का प्रयोग होता है, यहाँ पे इन्होंने देन लगा के दे रखा है जो कि गलत है। बात समझ में आ रही है? आप पीछे करो वीडियो को, दोबारा से देखो जहां पे मैंने इकट्ठे बताए हैं ना कि नो सुनर के साथ देन आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, तो ये वाले वर्ड है आपको ध्यान रखने हैं, बस इतना सा भी अगर आपको पता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस करेक्ट वर्ड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर तो मैं आपको इतना बढ़िया कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, आप याद रखोगे। देखो यहाँ पे क्या है कि अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द सेफ यू विल बी शॉट। ये कह रहा है कि अगर आप मेरे को जो सी तिजोरी की चाबी नहीं दे देते तो आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसा उस सेंटेंस की हिंदी है भाई। हम बात समझना भाई,
देखो दो वर्ड होते हैं अनलेस, पूरा कंसेप्ट समझते हैं हम इसका, आसान है वैसे, आंसर तो आसान है, लेकिन पहले पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक अनलेस वर्ड होता है, एक अनटिल वर्ड होता है। ठीक है, अनलेस को भी हिंदी में जब तक नहीं बोलते हैं, अनटिल का मतलब भी जब तक नहीं होता है, दोनों की हिंदी यही है भाई, जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं। मैं दो सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, और एक मैं कहता हूँ कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब तब तक मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा। क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरे में मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा क्या करूँगा, इंतजार करूँगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है कि आपका कामयाब होना आपके मेहनत करने पे डिपेंड कर रहा है। मेहनत क्या है, एक्शन है, मेहनत क्या है, एक्शन है, कोई काम करना। ठीक है, लेकिन जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो ये इंतजार किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये मेहनत पे नहीं, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मान लो तुम 2 बजे आ गए तो 2 बजे इंतजार खत्म, 3 बजे आ गए तो 3 बजे इंतजार खत्म, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुमने 2 बजे मेहनत करी और तुम 2 बजे सेलेक्ट हो गए, नहीं। ये जो कामयाब होना है ये मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है एग्जैक्ट टाइम पे, लेकिन इंतजार करना टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी मेहनत की बात होती है तो हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। अनलेस जो वर्ड होता है ना वो एक्शन के लिए आता है, किसके लिए आता है, एक्शन के लिए आता है, और अनटिल जो वर्ड है वो किसके लिए आता है भाई, टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, टाइम के लिए। ध्यान से देखना, अब मैं सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं कि मैंने कह दिया कि डैश, बैक चलते हैं एक बार के लिए, यहां पे क्वेश्चन है हमारा, देखो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, डैश यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ध्यान से समझते रहना भाई इस चीज को, यू कैन नॉट सक्सीड, कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया डैश यू कम, आई विल वेट फॉर यू। ये मैंने दो सेंटेंस लिख दिए भाई। ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन है भाई अनटिल लिखना है, एक ऑप्शन है आपके पास अनलेस लिखना है। तो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, तो इसमें कामयाब होना कड़ी मेहनत करने पे डिपेंड कर रहा है, और जब तक नहीं तो दोनों की हिंदी है, तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, तो अनलेस होता है एक्शन ओरिएंटेड। क्या होता है भाई अनलेस, एक्शन ओरिएंटेड होता है, अनटिल क्या ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है। तो पहले वाला जो सेंटेंस है वो एक्शन ओरिएंटेड है या टाइम ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड है, कड़ी मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, इसीलिए पहले वाले के अंदर किसका प्रयोग होगा, अनलेस का प्रयोग होगा। अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ कि जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं इंतजार करूंगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो दूसरे वाले में किसका प्रयोग होगा भाई, अनटिल का प्रयोग होगा। आई होप ये जो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहां तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब आपने एक चीज़ देखी, अब नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ो, नीचे वाले सेंटेंस की हिंदी मैंने क्या बताई कि जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसमें कहीं पे नोट दिख रहा है आपको, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कहीं पे नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा नोट, और मैं कह रहा हूं कि जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो इसका मतलब वो जो नहीं, जब तक तुम नहीं आ जाते, वो वाला नहीं कहां से आया, वो नहीं अनटिल के अंदर है। समझ में आई बात, इस पहले वाले सेंटेंस को देखो कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते, तो दूसरे वाला नहीं तो यहाँ पे आ गया, पहले वाला नहीं कहाँ है, पहले वाला नहीं अनलेस के अंदर है। तो अनलेस और अनटिल होते हैं ना, दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, जो अनलेस होता है और अनटिल होते हैं दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं भाई, नेगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब क्या, इनके अंदर पहले से ही नोट प्रेजेंट होता है, और अगर इनके अंदर पहले से ही नोट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अनलेस और अनटिल के साथ में नोट का प्रयोग नहीं होता। लिखो भाई एक बार कि अनलेस और अनटिल के साथ में नोट का प्रयोग नहीं होता, अनलेस और अनटिल के साथ में नोट का प्रयोग नहीं होता। ये देखो अनलेस लिखा है, ये इन्होंने यहाँ पे नोट का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे गलत होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। आई होप ये जो आज की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया,
कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा कंजंक्शन की, बहुत सारे उसमें कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए पीडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।